हेलो व्यूवर्स, इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। प्लस दोस्तों, किचन की वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर स्ट्रीट की तरफ एक रोशनदान भी लगा है, ताकि इसके थ्रू किचन की स्मेल और स्मोक वगैरह बाहर एग्जॉस्ट हो और रोशनी भी किचन के अंदर आती रहे। तो दोस्तों, ये था किचन। किचन से बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पर ये जो स्पेस नज़र आ रहा है दोस्तों, ये हमारा तकरीबन 4 फीट इसकी लंबाई है इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड पर, और सेंटर में दोस्तों 6 फीट है, और फिर अगेन किचन की तरफ 8 फीट है। तो यहाँ पर आपकी यू शेप्ड की स्टेयर्स बनेंगी, यानी कि सीढ़ी बनेंगी फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी दोस्तों 2 बेडरूम्स बनेंगे। तो उस तक जाने के लिए आपके घर के अंदर से ही जॉइंट फैमिली के लिए स्टेयर्स बनेंगी। तो दोस्तों, स्टेयर्स एरिया से बिल्कुल हम वापस पीछे की तरफ आएंगे इस गैलरी में, 5 फीट चौड़ाई की गैलरी में। तो इसमें बिल्कुल सीधा सामने आएंगे आपको यहाँ पर स्ट्रेट, यहाँ पर ये जो सामने डोर नज़र आ रहा है दोस्तों, ये हमारा मास्टर बेडरूम का डोर है, 3 फीट का। इसमें एंटर होते हैं तो आपको तकरीबन दोस्तों 10 फीट चौड़ाई और 10 फीट लंबाई का आपको मास्टर बेडरूम मिलेगा। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके बेड्स, आपकी अलमारियां, आपके ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह सब बहुत इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। प्लस दोस्तों, बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए दोस्तों हमने यहां पर एक विंडो दी है इस जगह में, तकरीबन दोस्तों 3 फीट की विंडो यहाँ पर लगेगी, जो एक OTS की तरफ से तकरीबन 4x3 फीट का OTS है, तो उसी की तरफ से दोस्तों यहाँ पर एक विंडो लगेगी, ताकि ताज़ा हवा और रोशनी इस बेडरूम में आती रहे, इसकी वेंटिलेशन अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, ये था हमारा मास्टर बेडरूम इस ग्राउंड फ्लोर पर। इससे बाहर आएंगे तो दोस्तों, इसके बिल्कुल साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर इस गैलरी में ये जो डोर नज़र आ रहा है दोस्तों, ये हमारा सेकंड रूम है ग्राउंड फ्लोर पर। इसको एज आ लिविंग रूम स्लैश गेस्ट रूम यूज़ करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप अपने सोफ़ा वगैरह सेट कर सकते हैं, टी वी वगैरह रख सकते हैं, घर वालों के साथ मिलकर यहाँ पर टी वी देख सकते हैं। प्लस दोस्तों, अपने गेस्ट को भी यहीं पर बिठा कर सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, इस रूम की चौड़ाई तकरीबन 9 फीट है, जबकि 10 फीट इसकी लंबाई है। दोस्तों, इसी रूम में अगर आप बिल्कुल टीवी के लेफ्ट साइड पर देखें तो आपको यहाँ पर ये जो डोर नज़र आ रहा है दोस्तों, ये हमारा टॉयलेट स्लैश बाथरूम है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। दोस्तों, इसकी चौड़ाई तकरीबन 4 फीट है, जबकि 6 फीट इसकी लंबाई है। दोस्तों, इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके शॉवर्स, आपके टॉयलेट सीट्स, वॉश बेसन वगैरह ईजिली एडजस्ट हो जाएंगे। वेंटिलेशन के लिए दोस्तों OTS की तरफ यहाँ एक रोशनदान है, ताकि इसके थ्रू टॉयलेट की स्मेल वगैरह बाहर एग्जॉस्ट हो, घर के अंदर ना फैले, और रोशनी भी टॉयलेट के अंदर आती रहेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा 15x30 फीट के प्लॉट के लिए एक और ग्राउंड फ्लोर का नक्शा। आई होप दोस्तों आप सबको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कोई मिस्टेक नज़र आती है तो वो भी बताएं। दोस्तों, मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।